सांसद अभिषेक बनर्जी ने मालदा में पार्टी नेताओं के साथ की बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए तय करेंगे रणनीति। पार्टी नेताओं के साथ बैठक करने के लिए आज दोपहर तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी मालदा पहुंचे। जिला खेल संघ से सटे मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद सांसद अभिषेक बनर्जी सीधे काफिले के साथ ओल्ड मालदा ब्लॉक के शाहपुर इलाके के एक निजी होटल में पहुंचे। सांसद अभिषेक बनर्जी शुक्रवार दोपहर को जिले के कुल 121 तृणमूल प्रतिनिधियों के साथ एक आंतरिक बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में मालदा के दो विधायकों, राज्य के दो मंत्री सबीना यास्मीन, तजमुल हुसैन, पार्टी के जिला अध्यक्ष और विधायक अब्दुल रहीम बख्शी, मालदा जिला परिषद के अध्यक्ष लिपिका बर्मन घोष शामिल हुए। इस आंतरिक बैठक में मालदा के दो लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव समिति के 42 प्रतिनिधियों के अलावा जिले के विभिन्न बूथ समितियों के अध्यक्ष और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सांसद ने इस बैठक के जरिए मालदा के दोनों लोकसभा क्षेत्रों की चुनावी रणनीति तय करेंगे। हालांकि बैठक में बैठने से पहले सांसद अभिषेक बनर्जी ने पत्रकारों के सामने कोई टिप्पणी नहीं की। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक करीब 2 घंटे तक चलेगी।